मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग एंड जय श्री राम। जैसे कि आपको पता है आज है 22 जैन, तो आज राम जी का काफ़ी बड़ा दिन है और हम भारतीयों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। आज है हमारे राम जी की प्राण प्रतिष्ठा और अयोध्या में बहुत बड़ा सेलिब्रेशन किया जा रहा है। सब जगह आप सोशल मीडिया पे देख लो, न्यूज चैनल्स पे देख लो, आप इंस्टा पे देख लो, व्हाट्सएप पे देख लो, सब जगह आपको राम जी के ही पोस्टर्स, राम जी की पिक्चर्स और वीडियोज देखने को मिलेगी। तो आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो और बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी के घर में राम जी का आशीर्वाद और राम जी के चरण पर जाएं और भगवान करे कि आने वाला ये साल हमारी खुशियों भरा रहे और सबकी लाइफ को फुलफिल करे ये खुशियों के साथ, और जय श्री राम। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और अभी मैं जस्ट रेडी हो चुकी हूँ और मैंने आज कुछ इंडियन पहना है, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैं बस ऐसे पहन रही थी नॉर्मल सूट्स वगैरह, तो आज मैंने कुछ इंडियंस पहना है। और अभी थोड़ा सा हम अपना मेकअप कर लेते हैं, देन अपनी पूजा करेंगे। तो गाइज, मैं 2-3 दिन से ना अपने फेस पे कोई भी फेस वॉश या कोई भी मतलब कोई भी चीज़ यूज़ नहीं कर रही हूँ, जस्ट पानी से साफ कर रही हूँ अपना फेस। तो मुझको ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा रिकवर कर रहा, अदरवाइज गाइज मुझे यहाँ का ना एनवायरमेंट और वाटर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। मतलब ठीक है, मौसम अच्छा है, गर्मी नहीं है, ठंड नहीं है, बट ये है कि मेरा फेस बिल्कुल ख़राब हो गया था। मेरा आज तक, जब से मैं पैदा हुई हूँ ना, आज तक कभी मेरा फेस ख़राब नहीं हुआ था। आज फर्स्ट टाइम लाइफ में मैंने देखा है कि मेरा फेस ख़राब हो गया, बट टच वुड भगवान जी की कृपा से अभी थोड़ा रिकवर कर रहा है। यस, फाइनली अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ और अभी चलते हैं, जल्दी से पूजा कर लेते हैं। और आप मुझे कमेंट करना, मैंने बिल्कुल वैसे बेसिक सा लुक रखा है क्योंकि मैंने ज़्यादा मेकअप नहीं किया है, क्योंकि मेरा फेस ख़राब है। जस्ट लिपस्टिक एंड अपनी सिंदूर लगाई है और बाकी कुछ नहीं किया है। तो चलो जल्दी से चलते हैं और अपनी पूजा डन करते हैं। तो यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है, मैं आलू की कचरियाँ बना रही हूँ और यहाँ पे मेरे ब्लैक चने और थोड़ी सी मैं सोच रही हूँ मैं खिचड़ी भी बनाऊंगी। तो खाना बनेगा, उसके बाद हम सेलिब्रेट भी करेंगे। और चलो मैं आपको रंगोली दिखाती हूँ सबसे पहले। ये रही हमारी जय श्री राम वेलकम रंगोली और ये हमारी दीना डाली है, बहुत अच्छी रंगोली डालते हैं वो, आप देख सकते हो कितने अच्छे से उन्होंने डेकोरेट किया है और राम जी को बुलाया है अपने घर पे। मंजरम समर्पयामि नमो नमः श्री वीरहमते श्री बालश्रो श्री हनुमते नमो नमः गौरवशिदेदानोदन जय 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 कपिसूर ओम श्री हनुमते। हम अभी कन्या पूजन भी कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे जल्दी से खाना रेडी करना है। एंड तो मैं बनाने वाली हूँ आज आलू की कचरियाँ और ब्लैक चने, साथ में हलवा पूड़ी एंड खिचड़ी। और भी देखते हैं कि स्वीट्स में क्या बन जाता है, ट्राई करूँगी तो कुछ और भी बन जाए, देन हम कन्या पूजन करेंगे। चलो मैं आपको दिखाती हूँ मैंने अभी तक क्या क्या बना लिया है। तो गाइज, यहाँ पे मेरे आलू चने की सब्जी रेडी है एंड यहाँ पे मैंने खिचड़ी को जो वो छौंक पे लगा दी है और यहाँ पे मेरे आलू की कचरियाँ रेडी हैं
और अभी हम बनाएंगे हलवा पूड़ी और बहुत चीजें बनाएंगे, मैं आपको दिखाती रहूंगी। तो गाइस अभी मैं हलवा बना रही हूँ और उसके बाद हम पूड़ियाँ तलेंगे और तब तक मैं हलवा बना लेती हूँ जल्दी से। सो गाइज अभी हमारा यहाँ पे डिलीशियस सा हलवा भी रेडी है एंड ये रहा हमारी स्वीट्स और ये रहे हमारे चने की सब्जी और नीचे है हमारे आलू कचरी और ये खिचड़ी भी रेडी है, बाद में दिखाऊंगी आपको। तो खाना ऑलमोस्ट रेडी है और हमने पूड़ियाँ बनाने के लिए आटा भी लगा लिया है और अभी जस्ट हम पूड़ियाँ तलेंगे। तो अभी हमारी ये हमारे भगवान जी का भोग हो गया है रेडी और अभी जाके मेरे पति देव लगाएंगे भगवान जी को भोग और तब तक मैं और बना लेती हूँ। जाओ तो अभी मेरी पूड़ियां बन रही हैं और हम सबसे पहले अपनी छोटी सी कंजर के पास जाएंगे, हमारे फ्रेंड हैं उनकी बेटी है क्यूट सी छोटी सी, तो उनके पास जाएंगे पहले उनको हम देखेंगे और उनका सारा सामान हमने पैक कर दिया है। दिखाना ये कर दिया हमने उनका सारा सामान पैक और अभी हम जाएंगे। पूरी बड़ी होगी काफी ना, थोड़ी कोल्ड ही होगी गाइस। जस्ट अभी हम आ चुके हैं अपनी लिटिल सी डॉल को खाना देके, हमारी लिटिल सबसे छोटी वाली कन्या को, क्योंकि बाहर का लोड नहीं है ना तो मैं नहीं शूट कर सकती हूँ सम रीज़न की वजह से। तो अभी जस्ट हम गर्मा गर्म पूड़ियाँ फ्राई करेंगे और अपनी कंच के करेंगे और 3:30 बजे का टाइम दिया था और 3:30 होने वाले हैं और मेरे पति देव मैं बनाती जाऊँगी और मेरे पति देव जो वो फ्राई करते जाएंगे। ठीक है, ओके, डन डन ऐसा कर दो डन। तो आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, ऐसा बोल दो, आप वीडियो को लाइक भी कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो, कमेंट भी कर दिया करो। कमेंट कम करते हैं, ठीक है, जो करते हैं वो ठीक है, जो नहीं करते हैं देखते तो हो ना आप लोग, शेयर भी नहीं करते हैं। नहीं करने दो, जो प्यार करते हैं वो देखते हैं, मीन्स जो देखते हैं जितना भी हमारे व्यूअर्स हैं वो देखते हैं तो मतलब हमें प्यार भी करते हैं। तो फटाफट से चलते हैं, चलो चलो अभी आप फ्राई करने के लिए रेडी हो? रेडी रेडी हो, बोलो रेडी हो। ठीक है चलो। बड़का जी क्या कर रहे हो आप? कन्या पूजन कर रहे हैं। कन्या पूजन? हाँ जी। अच्छा, आज तो बड़े हाई फाई बने हो क्या? न्यूयॉर्क से आए क्या बड़का जी? न्यूयॉर्क से आए क्या? यस यस यस। चलो बाय कर दो फिर। मेरे भाई जो वो न्यूयॉर्क से आए हैं, यो ऐसे करो, यो यो, यो। पूड़ी चढ़ गई मैडम? नहीं जिनको मैं खाना लेके आई हूँ ना उन्होंने बहुत ही हम खाना बनाया था जब हमें लंच को बुलाया था, बट मेरा खाना पता नहीं कैसे बनोगा। अगर बर्षदी आप मेरा ब्लॉग देख रहे हो ना तो प्लीज माइंड बंद करना, मैं चलती फिरती कुक हूँ, मैं सीख रही है अभी आंशु, मैं लर्निंग मोड पे हूँ। पर आपको बहुत अच्छा लगेगा, आता है ना बनाने? आता है, मतलब ठीक है, मतलब टेस्ट खाने के लिए तो होता है ना, मतलब ऐसा तो नहीं कि मतलब जब भी हम ऐसे करते हैं तो नहीं। चलो गाइस अब मिलते हैं थोड़े टाइम बाद। यहाँ पे हमारी क्यूट सी कंजक आ चुकी हैं, हमने इनको प्लेट्स दे दी थी एंड देख सकते हो अभी हमारी 5 कंजक रूप में हमारे घर पे लेट के आई थी और मैं इनको पूरा प्रसाद डाल देती हूँ जो जो मैंने बनाया था और देख सकते हो कितने खुश हो रही थी ये, और कुछ बड़ी लड़कियाँ भी थी, कुछ छोटी लड़कियाँ थी, तो बहुत क्यूट सी लग रही थी। और आज ये 2-3 घर में बैठ के कंजकें बैठ के आई थी तो इनका पेट वैसे फुल था तो मैंने इनको अच्छे से इनकी प्लेट डेकोरेट कर दी। हेलो हेलो
कैसा लगा खाना आपको? अच्छा है? अच्छा है? ठीक है, ओके। पूरा तो टेस्ट किया इस सारे काम करने के बाद, कंजक पूजन के बाद और खाना वाना खाने के बाद अभी हम रेडी होने लग पड़े, क्योंकि अभी हमें मंदिर जाना है, क्योंकि मंदिर में हम किसी रीजन की वजह से नहीं जा सकते थे। तो अभी हम मंदिर जाएंगे, तो हम पहन रहे हैं साड़ी, बिल्कुल ट्रेडिशनल पहन रहे हैं। और यहाँ पे मेरी फ्रेंड मुझे साड़ी पहनाएगी, क्योंकि स्टिच नहीं है ना मेरी साड़ी बिल्कुल भी, तो इनको आती है। तो अभी हम साड़ी पहनेंगे फटाफट से। तो आपको मैं यहाँ पे कैमरा सेट कर देती हूँ कहीं पे। तो गाइज ये रही मेरी आज की आउटफिट, मैंने पहनी है साड़ी, रानी कलर की साड़ी है, मर्जेंटा कलर की, एंड कुछ ऐसी लग रही हूँ मैं। मेकअप मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, क्योंकि मेरे फेस पे थोड़ा सा ऐसे खराब हो चुका है और आप देख सकते हो। तो यहाँ पे हमारे दीपक भी रेडी हो चुके हैं, और चलो मैं भी आपको अपनी आउटफिट दिखाती हूँ, एंड मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं आज की दिवाली। तो गाइज यहाँ पे गलती से फोन एक छोटे बच्चे के हाथ में चला जाता है, जो कि वीडियो डिलीट हो जाती है, तभी मैंने ये पिक्चर्स ऐड कर दी हैं। एंड आपको बताया कि हमने ऐसे किया है सब 22 जनवरी को सेलिब्रेट, और आज का दिन काफ़ी शुभ था। भगवान करे आप सबका जीवन खुशियाँ भरा रहे और बहुत खुशियाँ आपके जीवन में आए, और ऐसे ही हम अपने ब्लॉग्स बनाते रहे। होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर। मिलती हूँ आपसे न्यू ब्लॉग के साथ।